हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल वीविंग के कवर फैक्टर के बारे में। सन 2005 की बात है कि मैंने एक ऑर्डर पकड़ा, ये बेल्जियम यूरोप की कंपनी है, वहाँ का ग्रे फैब्रिक ऑर्डर पकड़ा। एक बड़ी मारूफ कंपनी में था जहाँ पे सुलजर की लूम्स लगी हुई थी फॉर फैब्रिक वीविंग और वामाटेक की लूम्स लगी हुई थी फॉर टावल वीविंग, ठीक है ना, तौलिए की वीविंग की। तो हमने फैब्रिक एक ऑर्डर पकड़ा, कंस्ट्रक्शन थी 40 40 110 90। अच्छा, मैंने अपनी नॉर्मल कॉस्टिंग की और नॉर्मल कॉस्टिंग करके ऑर्डर पकड़ लिया। ऑर्डर आज के जमाने के लिहाज से 2.5 से 3 करोड़ रुपए का था, आज के जमाने के लिहाज से। उस जमाने में डॉलर वैल्यू इतनी नहीं थी, तो जरा कम होगा। वो मैंने ऑर्डर लेके परचेज ऑर्डर जो है अपने वीविंग डिपार्टमेंट को भेज दिया, उन्होंने उसको माल बनाना शुरू किया, उसने उसकी वो सारा यान खरीदा, उसकी बीम बनाई और सारा करके बनाया। तकरीबन 1 1.5 महीना लग गया। वहां से हमें एक न्यूज आई। क्या न्यूज आई कि यार, अच्छा ये मैं आप लोगों को वीविंग कवर फैक्टर बता रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी कहानी सुना के, क्योंकि तजुर्बे से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कोई लिखा पढ़ा सिस्टम नहीं है। अच्छा, वहां से शिकायत ये आई कि यार यान ब्रेकेज बहुत हो रही है, यान बार बार टूट रहा है, लूम पे चल नहीं पा रहा, लूम लूम उसको चला नहीं पा रही। तो हमने बहुत उस पर रिसर्च की और रिसर्च करके हमें पता चला कि वो लूम्स की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से ज्यादा हमने डेंस कंस्ट्रक्शन को दे दी थी, 40 40 110 90। अच्छा, आपको एक सवाल होना चाहिए कि मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों दी, क्योंकि 40 40 100 80 तो हम ऑलरेडी बनाते थे और दबा के बनाते थे, तो 10 एंड्स भर लेते, 10 पिक्स भर लेते। हमने कहा चलो ये भी चल जाएगा, बना दिया, लेकिन तजुर्बा नाकाम हो गया। बराबर में जो दूसरी फैक्ट्री थी हमारी, वो वामाटेक लूम्स वहाँ पे होती थी, वहाँ का जो वीविंग मैनेजर था मेरा दोस्त भी था और बड़ा अच्छा आदमी भी था, तो यार मैंने उससे डज्जा कर डिस्कस की, था तो वीविंग का। तो उसने मुझे एक अजीब बात बताई, उसने बोला था देखो एक चीज़ होती है कवर फैक्टर। क्या होता है कवर फैक्टर? तुमने जो कवर फैक्टर लिया है ना, वो कवर फैक्टर एक्सीड कर गया फॉर सुलजर लूम्स। सुलजर लूम पर कवर फैक्टर ज़्यादा ज़्यादा 30 चलता है, 30, और उसके ऊपर अगर कोई चीज बनानी है कवर फैक्टर तो 40 लेता, यानी 30 से ऊपर पील के लिए एयर जेट लूम्स पे जाना पड़ता है, वाटर जेट लूम्स पे जाना पड़ता है, रेपेयर लूम्स पे जाना पड़ता है। बड़ी अच्छी उसने मुझे बात बताई। फिर मैंने उसे पूछा भाई अब कवर फैक्टर भी बताओ क्या कहानी है, तो कवर फैक्टर की उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। कवर फैक्टर क्या है? बेसिकली उस ऐसी कंस्ट्रक्शन हमें बनानी है कि जो उस लूम पे चल सके, इतनी डेंस ना हो, इतनी हैवी ना हो कि वो ना चल सके, ठीक है ना। अच्छा, कवर फैक्टर को समझने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। एक कमरा है, एक कमरे में एक तरफ एक दरवाजा है, एक तरफ एक दरवाजा है, ठीक है ना। अब मैंने उसमें 20 लोग कमरे में भर दिया, लेकिन ऐसे एंगल से खड़े, जैसे वार्प और वेफ्ट होता है ना आपका, ऐसे एंगल से खड़े कि कोई भी निकले यूं जाए दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा, एक दरवाजे से आएगा दूसरे दरवाजे से जाएगा। लेकिन इसी कमरे में अगर मैं 20 की जगह 30 लोग भर दूं तो वो डेंस हो जाएगा, वो फंस जाएगा, और बेचारा जो यहाँ आएगा वो घुस 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 करके निकलेगा, ठीक है ना। निकल तो जाएगा लेकिन खूब लड़ाई झगड़ा फट्टा होकर निकलेगा, क्योंकि डेंस कर दी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन जो आपने बनानी है, रखनी है, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, बहुत इजी है। ईपीआई एंड्स पर इंच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काउंट, ये तो हो गया वार्प का, और वेफ्ट का क्या है? पीपीआई पिक्स पर इंच डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वेफ्ट काउंट, ठीक है ना, ऊपर वाला वार्प काउंट, नीचे वाला वेफ्ट काउंट, इनको इनके निकाल लें। अब जैसे हमने ये 40 40 100 80 का निकाला तो ये तकरीबन कितना 28 28 बन रहा है, तो ये तो 30 से नीचे है, ये सुलजर लूम पे बन सकता है। यही सोच के मैंने 10 एंड्स बढ़ा दिए थे, 10 पिक्स बढ़ा दिए थे, लेकिन जब मैं इस पे गया 40 40 110 90 तो ये 30 से भी ऊपर निकल गया। इस वजह से मेरी सुलजर लूम के ऊपर नहीं बन सका और मुझे उसके लिए दूसरी लूम पे, फिर वो हमारा नुकसान हुआ, बीम वीम जाया हुआ, हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करके किसी और ऑर्डर में चला दिया, फिर हमने आउटसोर्स किया बाहर से फैब्रिक, जो एक एयरजेट जहां पे लूम्स लगी हुई थी। देखो, मेरा आपको सिर्फ समझाने का मकसद यह है कि कवर फैक्टर सिर्फ लूम्स की टाइप के लिए नहीं होता, वीव टाइप्स के लिए भी होता है, फैब्रिक टाइप्स के लिए भी होता है, ट्विल ड्रिल हाफ पनामा प्लेन फैब्रिक्स के लिए भी होता है, अलग अलग चीजों के लिए होता है। ये तो मेरा तजुर्बा था जो मैंने आपसे शेयर किया। गाइज, कभी भी ऑर्डर पकड़ो अपने वीविंग डिपार्टमेंट से या अपने डाइंग डिपार्टमेंट से, या उनसे कोऑर्डिनेट जरूर करो, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी छोटी सी पंचायत आ जाती है, छोटी सी पखराट आ जाती है, उसकी वजह से चीज नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि भाई मेरी ई बुक्स आप लोग उम्मीद करता हूँ खरीदी होंगे, फैब्रिक की भी और टावल की भी, और नई ई बुक इंशाल्लाह गारमेंट कॉस्टिंग और फैब्रिकेशन की आ रही, जो शर्ट वुमेन शर्ट के बारे में होगी, तो इंशाल्लाह उसको भी खरीदना। गाइस, ये क्या है, मेरा यूट्यूब का चैनल है और ये मेरा टेक्सटाइल कंसल्टेंसी और गारमेंट्स ट्रेनर, ये भी मेरे ही है, क्या नाम है, फेसबुक के ऊपर। तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट।